नंबर सात, अपनी बात की दलील देना, अपनी बात की दलील देना, जो बात आप बताएं कुरान और सुन्नत से उसका एविडेंस पेश करें, उसकी दलील आप दें। उकबा इब्न आमिर कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इदा रअयत अल्लाह युअती अल-अब्द मिन अद-दुनिया अला मअसीही मा युहिब फइन्नमा हुवा इस्तिदराज। आपने फरमाया जब तू देखे कि अल्लाह ताला किसी बंदे को गुनाहों के बावजूद उसकी पसंद की सारी चीजें दे रहा है दे रहा है दे रहा है, तो यह जान ले कि अल्लाह की तरफ से ढील है। गुनाहों के बावजूद दुनिया की सारी पसंदीदा नेमतें उसको सब मिल रही और गुनाहगार हैं, गुनाहों में बढ़ रहा और दुनिया में उसके लिए नेमतें भी बढ़ रही हैं, तो अच्छी तरह से जान ले कि अल्लाह की तरफ से ढील है। थुम्मा तला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके बाद फिर आपने ये आयत पढ़ी, खुद ये बात बताई, उसकी दलील में आयत पढ़ी, क्या? फलम्मा नसू मा दुक्किरू बिही फतहना अलैहिम अबवाब कुल्ली शै। जब कौमों ने जिनके पास नबियों को भेजा गया था उन्होंने जो नसीहत नबियों ने की उसे उन्होंने भुला दिया, उसको छोड़ दिया, नजरअंदाज कर दिया। फतहना अलैहिम अबवाब कुल्ली शै, हमने हर चीज के दरवाजे उन पर खोल दिए नेमतों के। अल्लाह की नसीहत को भुलाया तो अल्लाह ने क्या किया, नेमतों के दरवाजे खोल दिए। हत्ता इदा फरिहू बिमा ऊथू, यहां तक कि जब उस नेमत में मगन हो गए जो हमने उनको दी थी, अखदनाहुम बगततन, हमने उन्हें अचानक पकड़ लिया जबकि वो घमंड में आ गए और मजे में मगन हो गए उस नेमत में, तो हमने अचानक उनको पकड़ लिया। फइदा हुम मुबलिसून, तो अचानक वो हक्के बक्के रह गए, मायूस होकर रह गए। सूरह अल अनाम आयत नंबर 44। इस हदीस को इमाम अहमद तबरानी ने रिवायत किया, इसी तरह से इमाम अल बहकी ने शुअबुल ईमान में, और सही अल जामे सगीर हदीस नंबर 561। इस हदीस से मालूम होता है आपने अपनी बात बयान की और उसके बाद क्या पढ़ी, कुरान की आयत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दलील देने की जरूरत, लेकिन आपने क्या किया, एक बात बयान की उसके सपोर्ट में क्या पेश की, कुरान की आयत। तो आप ये तरीका अपनाएं कि जब आप कोई बताएं, देखो बेटा अल्लाह एक है, क्यों मालूम क्यों है, बोले क्यों है, अल्लाह एक ही है ना, हाँ लेकिन कुरान में अल्लाह ने फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद, तो पढ़ता ना बेटा नमाज में, हाँ तो ये वही है अल्लाह ने बताया, देख कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है कुरान में ऐसा, चलो एक बात मालूम पड़ी, हाँ मालूम पड़ी, अब बताना सबको, दूसरों को भी बताना है चीज, आप ऐसा कर सकते हैं। तो उसको आप कोई बात बताएं, दलील भी दिए उसकी। अब मसला क्या है, हाँ अपने को ही नहीं मालूम है कि क्या है, तो कहां से देंगे उसको, फाकिदु शै ला युती, कंगाल फकीर दूसरे को दे सकता कुछ नहीं, जो उसके पास ही नहीं तो कहां से देगा।